मुर्गे के बिना अंडा मुर्गी देती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 साल का, और मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ आके झूठ बोलने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो लो जी, एक और नई कहानी आ गई। कहानी नहीं, हकीकत है। मेरा एक दोस्त था, उसके पास 5 मुर्गियाँ थी, तो एक मुर्गा था। तो काफ़ी 2 मंथ हो गए अंडा नहीं दे रही, काफ़ी बड़ी मुर्गियाँ भी थी उसकी। तो डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर साहब और ये कहते हैं कि इनके लिए मुर्गा ले के आओ। तो वो तो ठीक है, उसने बता दिया मुर्गा ले के आओ, मसलन इनके लिए और मुर्गे चाहिए, फिर आपकी मुर्गियाँ जो उन्हें अंडा देंगी। वो तो पता नहीं किस नाजुक से अपनी वो कसम करना चाहता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, साथ उसे मेडिसिन भी दे दी, मसलन के 6 लाख लिए थे कुल पैसे, हाली हाथ नहीं उसे जाने दिया, मेडिसिन भी दे दी, ये मेडिसिन इनको देना, तो साथ मुर्गे ले के आओ। तो यार तू उसे ये बता रहा है कि मुर्गे ले के आओ, मेडिसिन क्यों दे रहा है, ठीक है? तो बात ये है मेरी करने की, ये झूठ है, ठीक है, जो मुर्गियाँ होती हैं मुर्गे के बिना अंडा नहीं देती, मुर्गे के बिना अंडा मुर्गी देती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 साल का, और मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ आके झूठ बोलने का। तो मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास इस टाइम 5 मुर्गियाँ हैं, 5 से 6 मुर्गियाँ हैं, ठीक है ना, जो बिना मुर्गे के वो अंडा दे रही हैं। वो किस वजह से दे रही हैं, उनको मैं एक फीड डालता हूँ, लेकिन ऐसा समय ये नहीं कि उनको मैं टीके शीके लगाए हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये झूठ है कि मुर्गे मुर्गा होगा तो अंडा देंगे। ये कुदरती इनके अंदर सिस्टम है, जब ये मुर्गी 8 मंथ की होती है या 1 साल की होती है, ऑटोमेटिक ही अंडा देने लग पड़ती है, मुर्गे की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। समझदार यार समझना चाहिए, इनके अंदर कुदरती क्या कहते हैं एक चीज़ है। अब मैं किस तरह आपको समझाऊँ, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो बात ये है करने की कि यार ये थोड़ा सा सर्च कर लें, ये डॉक्टर साहब जो दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, उनकी दुकान चल रही है, चले, लेकिन यार ये क्या तरीका हुआ, उसको मेडिसिन भी दे दी, उसको ये भी कह रहा है कि मुर्गे ले के आ। यार मुर्गा, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है यार इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है मुर्गी, ये देखें, तो ये देख रहे हैं ना, ये मुर्गे तो मेरे छोटे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये जितनी भी मुर्गियां ना 5-6, ये बिना मुर्गे के अंडा देती हैं, ठीक है ना, इनको कोई अभी क्रॉस क्रूस नहीं है। वो देखो आप क्रॉस करने लग पड़ा ना, वो जवान हो गया, ठीक है। तो बाकी यार आप खुद समझदार हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, ठीक है ना, मैं बिना मुर्गे के, ठीक है ना, मुर्गियाँ मैं छोटे छोटे चूजे पाले थे, ठीक है ना, तो जब पहली बार इस तरह हुआ, यार मेरा पास तो मुर्गा ही नहीं है, तो इन्होंने अंडा किस तरह दे दिया शुरुआत जब की। तो फिर मैं 2 साल बाद इस तरह का मैंने ट्राई की, लेकिन उनको मैं फीड डालता था 13 नंबर, ठीक है। तो बार बार मैं आपको वीडियो में यही बोलता हूँ कि अंडे चाहिए, अंडे चाहिए, 13 नंबर फीड डालें, उसके बगैर अंडा नहीं देती, ठीक है। तो एक बात ये आप सुन रहे हैं ध्यान से कि ये गलत है जो कहता है कि मुर्गा होगा तो अंडा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुदरती इनके अंदर इंतज़ाम होता है। कुछ मुर्गी ऐसी होती हैं 8 मंथ के बाद अंडा दे देती हैं, कुछ साल के बाद देती हैं, हाँ जो 8 मंथ के बाद देती हैं उनको ज़्यादा फीड वगैरह खिला खिलो के उनको ज़्यादा तैयार किया होता है वो देती हैं। तो अगर आप घर का राशन वगैरह खिलाते हैं, जैसे चावल गंदम जो भी चावल बचे हो जाते हैं, रोटी बची होती है, तो उनको डालते हैं ना, वो आप डालेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि साल के बाद अंडा दे दे। अब फिर ये ना बच्चों वाली बात करना कि यार हमारा तो मुर्गा नहीं था, इसने अंडा किस तरह दे दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि यार बिना मुर्गे के भी आप अंडा रख सकते हैं। तो काफ़ी भाइयों ने सवाल भी मुझे पूछा कि बाहर यार तेरी तो ज़्यादा मुर्गी हैं, तो मुर्गा तो है ही नहीं अभी, तो ये मैं शौकी मुर्गे लेके आया हूँ, ये मैं छोटे पाले हुए थे, इनको मैं लग रखा हुआ था, ये 8-8 मंथ के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे मैं कहीं चल इधर माहौल इनका भी दिल लगा रहे मुर्गियों का, 2 मुर्गियाँ, एक तो अभी इससे भी ज्यादा बच्चे है, ये थोड़ा थोड़ा अभी जवान हुआ है, एक तो मैं 6 मंथ का है, तो मैं कह चल इनका भी दिल रखा रहे। तो यार बाकी मेरी वीडियो में बार बार यही कहना का मकसद है कि मुर्गे के बिना भी मुर्गियां अंडा दे सकती हैं, जरूरी नहीं उनको क्रॉस कराया जाए तो अंडा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।